हेलो फ्रेंड्स, मैं गगनदीप, आपका गार्डनर दोस्त। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो मनी प्लांट पर है कि हम मनी प्लांट की केयर जो है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी केयर अच्छे से नहीं हो रही तो आपकी जो मनी प्लांट के पत्ते हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। देख सकते हो ना, इसमें धब्बे से लग गए हैं और ये देखिए, ये तो पत्ता ही ख़राब हो गया, देख सकते हो ना। तो इसकी केयर जो है आप इसको इंडोर रखिए, इंडोर ये ज़्यादा बेहतर चलता है। तो आप इसे पानी में भी लगा सकते हो तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। मैंने ये देखिए पानी में लगाया हुआ है, रुकिए, इसकी मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है, तो आज मैं इसके रिजल्ट भी आपको दिखाई देता हूँ। देख सकते हो इसमें रूट्स आई हुई हैं, देख सकते हो ना, अंदर पतले धागे जैसी। और इसी में ही मैंने ये रंगून क्रीपर की वाइन लगाई हुई है, देख सकते हो, ये रंगून क्रीपर है, मधुमालती की बेल। तो इसकी जो केयर है वो बिल्कुल आसान है। इसमें आप फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम डालते ही रहिए, इसमें गोबर की खाद भी आप डालते रहिए, अच्छी होती है इसके लिए। और DAP मत ही डालिए इसमें, क्योंकि वो फूलों वाले या फलों वाले प्लांट के लिए होती है, तो आप देख सकते हो। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर, हम DAP डाल सकते हैं मनी प्लांट में या नहीं। तो आप डालोगे तो इसके पत्ते बिल्कुल जल जाएंगे। मैंने भी इसमें DAP थोड़ी सी डाली थी, तो इसके जो पत्ते हैं उनकी हालत ऐसी होगी, गंदी सी। तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए, पत्ते काफ़ी सारे थे। तो आप DAP मत ही डालिए इसमें, और अगर आपका इंडोर है तो बहुत अच्छा चलेगा। और इसमें क्या कीजिए, इसमें इंसेक्ट लग जाते हैं, तो आप इसमें नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो आप इसमें कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे बड़े बड़े साइज के पत्ते बनेंगे, देख सकते हो ना कितना बड़ा पत्ता है इसका, और ये देखिए छोटा सा है। तो ये भी बाद में बड़े होंगे, पहले छोटे होते हैं। ये देखिए नए नए खिल लग रहे पत्ते, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इसकी कली आ रही है पत्तों की, है ना। तो आप इसकी केयर आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी मेरी नई वीडियो आएंगी उन सब का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।